आज हम बताने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो दुनिया में सबसे अजीब दिखते हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वो शख्स है जो दुनिया में सबसे अलग हैं, जिनकी अपनी अलग ही पहचान है। लेकिन यदि आपने हमारा फंडा बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। नंबर 5, डुआंगजे समाक समाम। डुआंगजे समाक समाम विशालकाय हाथ वाली महिला है। इनकी उम्र लगभग 51 वर्ष है। डुआंगजे समाक समाम शायद दुनिया की सबसे बड़े हाथ वाली महिला है। उनके शरीर में एक विकृति है जिसे मैक्रोडिस्ट्रोफिया लाइपोमेडूसा कहा जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में फैट शरीर के केवल एक भाग में ही जमा हो जाता है। नंबर 4, साराह मपेली। साराह मपेली को क्वीन बी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है, साराह मपेली अपने शरीर पर ऐसा इत्र लगाती है जिससे क्वीन बी या रानी मधुमक्खी की सुगंध आती है। ऐसा करने से उनके शरीर पर करीब 12,000 मधुमक्खियां आकर चिपक जाती हैं। साराह के लिए ये एक मेडिटेशन तकनीक है और वो खुद को बी क्वीन बताती हैं। नंबर 3, क्लॉडियो वियरा डी ओलिवेरा। क्लॉडियो वियरा डी ओलिवेरा 37 वर्ष के हैं। क्लॉडियो का सर इस हद तक मुड़ा हुआ है कि वो उनकी पीठ तक आता है। क्लॉडियो के हाथ पैर भी किसी काम के नहीं है। इस अवस्था को कंजेंटिनल ऑर्थोजायरोपोसिस कहते हैं, जिसमें शरीर का एक जॉइंट सामान्य से ज्यादा लंबा हो जाता है या मुड़ जाता है। क्लॉडियो ने अकाउंटिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में वो पब्लिक स्पीकर बन गए। नंबर 2, शार्लेट गारसाइड। शार्लेट गारसाइड को लोग बेबी शार्लेट के नाम से जानते हैं। शार्लेट गारसाइड दुनिया के सबसे छोटे लोगों में से एक है। शार्लेट गारसाइड बोनेपन का शिकार है और उनकी हाइट सिर्फ 67 सेंटीमीटर है। इसी कारण इन्हें बेबी शार्लेट कहा जाता है। नंबर 1, क्रिस्टल। क्रिस्टल जो एक हाथ से वेट लिफ्टिंग करती हैं, क्रिस्टल ने एक हादसे में अपना हाथ खोने के बाद भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा जीवन फिटनेस को समर्पित कर दिया और एक हाथ से वेट लिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। अपनी अक्षमता को अभेद्य क्षमता बनाकर क्रिस्टल ने सबको दिखा दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर जीवन में कुछ भी करने का जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 में से सबसे अद्भुत इंसान कौन सा लगा।